अभी तो खुश हो ना? मैं ही जीतूंगा भूतू, मैं आज से ही अभ्यास शुरू कर दूंगा। बंटी भैया, और तेज, और तेज। देखो भूतू, बंटी भैया कितनी तेज साइकिल दौड़ा सकते हैं। भूतू, भूतू, तुम लोग यहाँ पर हो? क्यों, क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ गुड्डू? एक बढ़िया खबर लेकर आया हूँ। पपैया के भाई पपैया ने साइकिल प्रतियोगिता में भाग लिया है, और सिर्फ यही नहीं, उसने अपने भाई के लिए विदेश से साइकिल मंगवाई है। और सुना है उस साइकिल में 5 गियर हैं, और पता है 5 गियर पर चलाने से साइकिल हवा में उड़ती है। अब क्या होगा, क्योंकि इस साइकिल में तो एक भी गियर नहीं है। गियर का मतलब क्या होता है बंटी भैया? गियर असल में साइकिल में एक प्रकार का रफ्तार नियंत्रण करने वाला एक यंत्र है। गियर के इस्तेमाल से हम साइकिल की रफ्तार को बढ़ा और घटा सकते हैं। समझ गई मैं। भूतू, तुम अपने जादू से बंटी भैया की साइकिल में 6 गियर लगा दो ना। एकदम नहीं, यंत्र के सहारे प्रतियोगिता जीतना भी बेमानी होती है। उस ततैये के डर से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, और सिर्फ यही नहीं, उस ततैये ने सभी प्रतियोगी को डरा के रखा है कि अगर किसी ने भी उसके भाई को हराया तो वो ततैया किसी को भी नहीं छोड़ेगा। कितना भयंकर है। नहीं नहीं, इस झमेले में घुसने का कोई फायदा नहीं। नहीं, प्रतियोगिता में जीतने के लिए चाहिए हिम्मत, शक्ति और साहस। ये 3 चीज होने से ही, चाहे ततैये की धमकी हो या फिर गियर का यंत्र, कुछ भी बंटी भैया को जीतने से रोक नहीं सकता। सही कहा भूतू, मैं कर सकता हूँ। बंटी भैया, आप साइकिल का अभ्यास करते करते कसरत भी शुरू करो, पैरों को मजबूत बनाओ और शरीर की सहनशीलता बढ़ानी होगी। अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म मकड़म। मैं समझ गया भूतू कि मुझे क्या करना है। मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर अभ्यास करूंगा भूतू। हम भी तुम्हारे साथ हैं। 50, 51, 92, 73, 74, 75। क्यों, उस बंटी ने प्रतियोगिता में भाग लिया है? उसकी इतनी हिम्मत? हाँ भैया, और सिर्फ इतना ही नहीं तो उसने एक बहुत अच्छी साइकिल का जुगाड़ भी किया है। सरदार, आप कहें तो मैं अभी जाके उस बंटी और उस साइकिल दोनों को तोड़ देता हूँ। चुप कर बेवकूफ, याद रखना उनके साथ वो अदृश्य जादूगरनी है। मुझे इसके लिए कोई दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। मैं साइकिल प्रतियोगिता जीतूंगा ना भैया? तू ही जीतेगा, मेरा भाई नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? वो बंटी और टॉफी के बच्चे नहीं। तो चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ।